हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है ये रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो एक सीधी लाइन में चलता है और वी कैन से वन डी में चलता है, वन डायमेंशन में चलता है, तो उसे वी कॉल रेक्टिलिनियर मोशन। जब सीधी लाइन में कोई चीज चलेगी, वन डी मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। देन इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। आप मोशन की तो बात कर रहे हो लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि मोशन की वजह क्या है, ये आखिर क्यों स्टार्ट हुआ है, क्यों स्टॉप हुआ है। तब उस चीज को हम किस ब्रांच के अंडर पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड, जो एक पोजीशन को बयान करता है और उसके साथ क्लॉक कंस्टिट्यूट। अगर हम लोग टाइम को वहां पर इंक्लूड करते हैं तो इस सिस्टम के कॉम्बिनेशन को वी कॉल्ड एफ ओ एफ, यानी कि फ्रेम, एफ ओ आर सॉरी, एफ ओ आर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि किसी आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और उसके साथ अगर आप टाइमिंग को बाउंड कर दोगे तो दैट विल फॉर्म एफ ओ आर, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच किया जाता है उसे वी कॉल पाथ लेंथ, और या फिर डिस्टेंस भी आप बोलते हो। जैसे आपको पता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और पाथ लेंथ आप लोगों का बड़े से बड़ा फासला हो सकता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो डिस्टेंस नहीं, इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये डिस्टेंस को काटा मारना है। Here it will be displacement. तो displacement क्या होता है? Initial और final position के बीच का shortest path को हम लोग displacement बोलते हैं, यानी कि छोटे से छोटा रास्ता दो points के बीच shortest path या displacement कहलाता है। Average velocity, ratio of displacement to time. अगर हम लोग डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं और उसे टाइम से डिवाइड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर हम लोग टोटल पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एक हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। आपके पास एग्जाम्पल के लिए पहले हमें फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉ फिगर करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ये फिगर के लिए ये एक 1D हमने बना ली है, नंबर लाइन कैसे 0, देन Q, देन P। Q पॉइंट का जो मार्किंग है वो 240 है, P पॉइंट की 360 है, एंड दिस इज O ओरिजिन, ये 0 है। तो ये हम लोग को ग्राफ या लाइन, लाइन ही कहेंगे, नंबर लाइन हमें गिवन है कि अपन 1D की बात कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए देखते हैं क्या चीज है क्वेश्चन में। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी इन द फिगर। एक गाड़ी है जो अलोंग ओपी जा रही है, अलोंग दिस डायरेक्शन ओ से पी, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। ओ से पी तक की दूरी 18 सेकेंड में ट्रेवल की है। रिटर्न्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन 6 सेकेंड। पी एंड क्यू नहीं होगा, पी टू क्यू है यहाँ पे। पी से क्यू आने में उसे 6 सेकेंड का वक्त लगता है, यानी पहले ओ से पी फिर पी से क्यू। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ओ से पी के लिए, एंड ओ टू पी बैक टू क्यू, और फिर O से P, P से Q के लिए भी हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली बुक में एवरेज स्पीड भी कहा हुआ है, तो हम लोग एवरेज स्पीड भी पता करेंगे। तो चलिए पहले एवरेज स्पीड की पता करते हैं हम लोग।
तो एवरेज स्पीड क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग मोशन लेंगे ओ से पी का, ओ टू पी। ओ टू पी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा टोटल पाथ कवर या टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ है ओ से लेकर पी तक का, और टोटल टाइम को अगर अपन टी लेट कर लेते हैं तो ओ से पी तक की डिस्टेंस आपके सामने है 360, 360, और टाइम दिया गया है 18 सेकेंड। दिया हुआ है कि ओ से पी जाने में 18 सेकेंड लगते हैं, तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो एज यू नो कि हमें क्या टेक ओवर करना पड़ेगा, हमें टोटल पाथ लेंथ की बजाय अब डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता और उसे हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो एक ही लाइन में हो रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ के इक्वल आएगी और जो टाइम है वो 18 सेकेंड ही रहेगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज, ये वेलोसिटी लिखना है इधर, स्पीड नहीं आएगा, वेलोसिटी आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, एक ही डायरेक्शन में अलोंग स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होती है। और वो इक्वल क्यों है? क्योंकि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट इज ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, डायग्राम मेरा हो गया, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। ओ से पी इज 240, दिस इज 6360, दिस इज 0। ओके, तो बी पार्ट है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो चलिए पहले एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है? ओ से पी और फिर वो पी से क्यू आया। टाइम हम लोग लेट कर लेते हैं T1 + T2, वेर T1 इज टाइम फ्रॉम गोइंग ओ टू पी एंड T2 इज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। अब OP की वैल्यू 360 है, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो 360 है, और फिर आप P से Q पे आ रहे हो तो इट इज 120। तो 360 में 120 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय T1 + T2। तो टाइम 1 है 18 सेकेंड और टाइम T2 है 6 सेकेंड, तो ये आपका बनेगा 480 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो एवरेज स्पीड है ओ से पी और पी से क्यू में 20 मीटर पर सेकेंड आई है। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल पोजीशन है ओ और फाइनल पोजीशन है क्यू, तो यानी कि यहाँ पे टेक ओवर करेंगे ओ क्यू, और जो टाइम है वो टोटल ही लेना होता है, टाइम नहीं माइनस करना होता, T1 + T2। तो ओ से लेकर क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट 240 है, टाइम इज 18 + 6, यानी कि 240 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी आई है। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो गई, और इस वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग हो गए। तो ये हमारा एग्जांपल 3.1 कवर अप हो गया। तो आई होप कि आप लोग को आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।